ऑलिव अंताक्षरी सीजन 2। अंताक्षरी सीजन 2। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मेरे यानी ललित के साथ शुरू हो चुका है रेडियो ऑलिव अंताक्षरी सीजन 2। और इससे पहले कि हम कुछ भी बात करें, किसी भी बात की शुरुआत करें, सबसे पहले ही मीनाक्षी का एक मैसेज आया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। उन्होंने कुछ लिखा है, मैं वो पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। लिखती है कि तेरे अंदर कुछ अंधेरी रात सा है, तेरे अंदर कुछ अंधेरी रात सा है, एक दरिया है भीतर कुछ शांत सा है, इश्क ढूंढने चली है तेरी आंखें शब भर के, परवाना है तू, तेरा हाल भी परवानों सा है। भाई क्या बात है, बहुत ही खूब लिखा है आपने, और जिसके लिए लिखा है या जिसको सोच कर लिखा है, वाकई में बहुत खास होगा आपके लिए। और इस तरह से खास खास करते करते हमारे पास आज की दो खास जोड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। जी हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल अंताक्षरी सीजन 2 इन एसोसिएशन विद ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। मेरा नाम है ललित और आज डे 4 है, यानी कि एपिसोड 4 है। और आज रेडियो ऑल अंताक्षरी सीजन 2 की दो ब्रांड न्यू टीम्स हमारे साथ में मौजूद है। उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से टीम दीवाने और मस्ताने, जो कि कल खाली हुई थी, आज उनकी सीट्स को भरने के लिए कौन यहाँ पर मौजूद है। चलिए टीम दीवाने में बात करते हैं, सबसे पहले किन से। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल कतर, मेरा नाम है मोक्षा गुप्ता और आज मैं यहाँ अपने दोस्त आलमजीत सिंह के साथ अंताक्षरी खेलने आई हूँ। अंताक्षरी बहुत पसंद है मुझे और मैं कुछ बोलना भी चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हिम्मत है, और अगर हिम्मत है तो सफलता हमेशा आपके साथ है। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो हमेशा हिम्मत से, मेहनत से अपना काम करते रहिए और एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप आलमजीत जी को लेकर आए, आलमजीत जी के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा, आप प्लीज माइक पर आए, अपने बारे में कुछ बताएं आप। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, मेरा नाम है आलमजीत और मैं कतर में पिछले 2 साल से हूं और मैं यहां अपनी वाइफ शिल्पा और 2 बेटे कनक और नयनप्रीत के साथ हूं और मैं एक ऑयल कंपनी टोटल ऑयल में काम करता हूं। ये मेरा पहला मौका है रेडियो ऑलिव के ऑफिस में आने का और आप सबसे मिलने का और आई लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी एंजॉयबल इवनिंग। चलिए आलमजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। मोक्षा जी, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप बहुत भरोसा करके अपने पार्टनर को लेकर यहाँ पर आए हैं, उस भरोसे की वजह क्या है? उस भरोसे की वजह क्या है, मुझे अपने पार्टनर पर गुरूर तो नहीं लेकिन इन पर एतबार है। एतबार है इसलिए मैं इन्हें लेके आई हूँ। क्या बात है, ये एतबार आपका पूरा पूरा सही निकले, हम तो यही दुआ करते हैं। चलिए इसी बात के साथ टीम दीवाने से मूव करते हैं आगे टीम मस्ताने की ओर, जहाँ पर हमारे साथ में कौन है, चलिए इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, मेरा नाम गणेश है, मैं कतार में 14 साल से हूँ। इधर मैं अपनी वाइफ सुमित्रा के साथ आया हूँ और मैं अंतरिक्ष में बहुत पहले भाग लिया करता था। मैं कॉलेज डेज में आई यूज टू बी चैंपियन, बट मैं अभी आउट ऑफ टच हूँ। मेरा मेन मकसद इधर है एंजॉय करने के लिए। क्या बात है, 30 साल पहले की बात है। 30 साल, अच्छा ये आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है। मुझे बताएं आप किनके साथ आए हैं, उनका परिचय। मैं मेरी मिसेस सुमित्रा के साथ आया हूँ। हाँ जी, सुमित्रा जी आपसे बात करना चाहेंगे, माइक पर आए प्लीज आप। डेफिनेटली वो आप ही को लेकर आएंगे, किसी और को लेकर आएंगे तो घर में खाना बनना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, तो वो इसलिए आपको लेकर। तो मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों लाए हैं आपके लिए, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, आज क्या करने वाली है आपकी टीम? उनके लिए बस मैं मॉरल सपोर्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम सपोर्ट दे सकूं जो मैं 21 ईयर्स से दे रही हूं उनको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं जो कोशिश है 21 साल से आपकी लगातार बनी हुई और सक्सेसफुल रही है, वो कोशिश आज भी यहाँ पर कामयाब हो जाए। दोनों ही टीम को ऑल द बेस्ट। ये है रेडियो ऑलिव अंताक्षरी सीजन 2 इन एसोसिएशन विद ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। कई बार होता है हस्बैंड लोग जब घर से दूर रहते हैं और छुट्टी पे प्लान करते हैं ना कि चलो घर पे चलते हैं, तो एक सवाल रहता है कि घर में अपनी जो बीवी है, जो वाइफ है, उनके लिए क्या लेके जाए। तो काफी सारी चीजें सोचते रहते हैं कि ये लेके जाता हूँ, ये गिफ्ट करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। किसी ने लिखकर भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने खास तौर पे अपने पति के लिए कहा है, नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पर लेकिन शायद ये सभी पतियों पर अप्लाई हो सकता है। जी हाँ, वो कहती है कि जब अगली बार मिलने आओगे, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए सिर्फ 2 लाइनों में सारी बात कह गई है, कि जब अगली बार मिलने आओगे तो साथ में
वक्त लेते आना। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं मतलब कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त मैसेज है इस बात के अंदर, अगली बार मिलने जाओगे तो आप भी थोड़ा सा वक्त लेते जाना। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो ऑल अंताक्षरी सीजन टू इन एसोसिएशन विद ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेज। यहां पर हमारी आज दोनों टीम्स इस वक्त मौजूद है, टीम दीवाने टीम मस्ताने, और दोनों ही टीम में आज जो पार्टिसिपेंट है वो चेंज हो चुके हैं। टीम दीवाने में मोक्षा और आलमजीत हैं, टीम मस्ताने में हमारे साथ में गणेश और सुमित्रा जी हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं इससे पहले कि हम आज के पहले राउंड की ओर बढ़ें, जो कि है शुभारंभ। शुभ आरंभ। जी हाँ, यकीन करते हैं हम इस बात में कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत नहीं, वो होता है शुभारंभ। शुभारंभ कर रहे हैं हम अंताक्षरी का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेगमेंट है, पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, इसके अंदर हम सवालों की टिकड़ी लेकर आते हैं। एक साथ तीन सवाल आते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है, लेकिन शुरुआत तो पहले सवाल से ही होती है। तो आपके सामने जो बजर्स लगे हैं आपको उसकी ओर आपको ध्यान देना है, मुझे आपके जवाब की तरफ ध्यान देना है। आपसे मैं जैसे ही पहला सवाल पूछता हूं आपको बजर बजाना है, और जैसे आप बजर बजाते हैं तो आपके पास 15 सेकंड का समय रहेगा उसका सही जवाब देने के लिए। आप दोनों तैयार हैं? किसी तरह का कोई डाउट कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। बिल्कुल तैयार हैं हम लोग खेलने के लिए। बहुत बढ़िया, तो चलिए बहुत ही सरल सा ये सवाल है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है जिसे मैं पूछने जा रहा हूँ, और मजा आ जाएगा सुनकर। सारा खेल फुर्ती का है क्योंकि जवाब दोनों ही टीम्स के पास है, ऐसा मुझे यकीन है। तो चलिए शुभारंभ का शुभारंभ करते हैं, और शुभारंभ का सबसे पहला जो सवाल है वो हम आपसे पूछते हैं, बॉलीवुड के उस हीरो का आप नाम बताइए जिसे सारी दुनिया प्रेम के नाम से जानती है। टीम दीवाने ने बजर बजा दिया है यहाँ पर, और आपका 15 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। सलमान खान। सलमान खान बिल्कुल सही जवाब है आपका, जोरदार तालियां। थैंक यू। शुभारंभ में शुभारंभ कर दिया है टीम दीवाने ने, मोक्षा जी ने जवाब दिया है सलमान खान, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ आपको मौका मिलता है अगले सवाल पर पहुंचने का। आपको बतानी है कोई चार ऐसी फिल्मों के नाम, आपको बताने हैं कोई ऐसी चार फिल्मों के नाम जिसमें सलमान खान साहब का जो नाम था वो प्रेम ही था, और आपका समय शुरू होता है अब। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। समय तेजी से बढ़ता हुआ आगे। प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो, बहुत ही बढ़िया। शुभारंभ के सवालों की तिकड़ी के दो सवालों के सही जवाब दे दिए हैं आपने। अगर तीसरे भी सवाल का जवाब आप सही देते हैं तो आप अपने खाते की शुरुआत कर लेंगे आप 10 पॉइंट के साथ में। तैयार है तीसरे सवाल के लिए आप? जी जी तैयार हैं। तीसरा सवाल, जैसे कि आपने अभी बताया था कि कोई चार फिल्म्स के नाम बताएं भाई जिसमें सलमान खान का जो नाम था वो प्रेम था, मैं कहता हूं आप कोई ऐसी तीन फिल्मों के नाम बताइए जिसमें उनका नाम प्रेम नहीं था, और आपका समय शुरू होता है अब। सुल्तान। सुल्तान। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, क्या बात है, बिल्कुल पॉइंट पे जाके आपने जवाब दिया है। अगर आप 1 सेकंड से चूक जाते तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये बिल्कुल नहीं कहता कि जोरदार तालियां बजाई जाए, वही क्या बात है। लेकिन हम तो चूके नहीं, और इसी बात पे हम बोलना चाहेंगे रेडियो ऑलिव की जय हो, जी हो, बिंदास। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसे करके पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए आपको जवाब ही देना पड़ेगा। लेकिन मानना पड़ेगा तीनों सवालों के सही जवाब पर, आलमजीत जी मानना पड़ेगा आपने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है, तो एतबार जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है आपका, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ पर मैं टीम मस्ताने को भी कहना चाहूंगा कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ पर अर्न करने का मौका है, क्योंकि शुभारंभ में सवालों की एक और तिकड़ी है जो कि आप तक आ रही है, बहुत ही आसान है, बस आपको बजर पर थोड़ा सा ध्यान देना है और आप भी 10 पॉइंट के साथ इनके बराबरी पर आ सकते हैं। तैयार हैं आप अगले सवालों की तिकड़ी के लिए? तैयार है। चलिए बहुत बढ़िया, सवालों की तिकड़ी का अगला सेट जो है, जो पन्ने में पलटने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहला सवाल कौन सा है? ओए होए होए होए, एक डायलॉग मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है डायलॉग, क्या होगा पहला नाम सुनके आप बता देंगे कि आपको बताना है बेसिकली वो डायलॉग जो है वो किस पर पिक्चराइज किया गया है। हाँ तैयार है। तैयार है। बजर पर ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपके सवालों के जवाब पर ध्यान दूंगा, ये डायलॉग किस पर पिक्चराइज किया गया है, और डायलॉग है राहुल नाम तो सुना होगा। एक बार फिर से टीम दीवाने ने पहले बजर बजा दिया है, आपको अपना जवाब देना होगा, आपका समय शुरू होता है अब। शाहरुख खान। शाहरुख खान बिल्कुल सही जवाब। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल आपके ओर आ रहा है, शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें उसकी बेटी का नाम अंजलि होता है। कुछ
कुछ होता कुछ है, कुछ होता है नहीं, आप बहुत कुछ होने लगा है। आप तो एक के बाद एक जबरदस्त जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन इसका तीसरा जो जवाब है वो अगर आप सही देते हैं तो इसमें आपको 10 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। कुछ कुछ होता है फिल्म के बारे में आप बात कर रहे थे अभी, मैं इसी फिल्म के बारे में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपको बताना है कि कुछ कुछ होता है में एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने सपोर्टिंग रोल किया था, उनका नाम क्या था? सलमान खान। सलमान खान, भाई क्या बात है, मैं कहता हूँ तालियों की गूंज ऐसी होगी जो रुके ना बिल्कुल भी। गणेश जी आपका सवाल था कि कल हमने एपिसोड सुना था उसमें तालियों की आवाज आ रही थी, वो सर ऐसे ही आ रही थी, समझ गया, धीरे धीरे राज खुल रहा है, धीरे धीरे राज खुल रहा है, वो ऐसे ही था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस टीम दीवाने आप दोनों के लिए मैं चाहूंगा, यार क्या बात है, एक बार अति उत्तम। आपने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया अभी टीम मस्ताने को एक भी पॉइंट ओपन करने का, दोनों ही बार के आपने सही जवाब दिया और इसी के साथ 20 पॉइंट से ओए होए आप लीड कर रहे हैं इस बार, क्या बात है, बल्ले बल्ले। देखिए पॉइंट्स का तो ये जो सिलसिला है ना उतार चढ़ाव इस पूरी गेम में चलता रहेगा, कभी वो आगे रहेंगे कभी आप आगे रहेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा वक्त हम निकालते हैं आपके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। गणेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले आपके पसंदीदा सिंगर कौन रहे हैं? किशोर कुमार। मेरे घर में क्या था, मैं किशोर का फैन था, हाँ जी, और मेरा दूसरा भाई रफी का फैन था, हाँ जी, तो हम लोग हमेशा लड़ाई करते थे कि किशोर बेटर है कि रफी बेटर है। नाउ वी हैव बिकम मोर मैच्योर, वी नो दैट बोथ आर गुड, बट एट दैट टाइम इट इज ओनली वन इज राइट वन इज रॉन्ग, तो वी वर आई वाज अ फैनेटिक ऑफ किशोर कुमार। सुमित्रा जी आप क्या कहते हैं इस पर, आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? आशा भोंसले। तो मतलब यहाँ पर फिर वो फाइट वाला सीन ही नहीं रहा, यहाँ पर सीन ही नहीं रहा, फाइट करने के लिए और भी इश्यूज है अपने पास। वाह, तो कोई एक गाना हो जाए कि ऐसा गाना जो किशोर और आशा दोनों ने गाया हो, किशोर और आशा का कोई भी गाना अगर आपको याद है। हाल के सहे जनाब का क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए हो हो हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल के सहे जनाब का होए क्या ख्याल है आपका, आए होए हम तो मचल गए हो हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। टियू डीडे टियू डीडे टियू डीडे, मजा ही आ गया। घर में करते हैं कभी ऐसे कि नहीं करते हैं गाना? हाँ दोनों लोग, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, काम में बिजी हो जाते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ा ज्यादा किया कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। अभी आपका मशवरा हम लोग सीरियसली अमंग करेंगे, करा कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। आप ये करेंगे तो शॉपिंग का बिल आपका कम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप। क्या मालूम उसमें बैंड बच जाएगा? नहीं बजेगा, वो उसमें खुश हो जाएंगे, इतना चलेगा। यहाँ पर मोक्षा जी आपके पास आते हैं वापस, आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? जी मेरे फेवरेट सिंगर तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ सुनिधि चौहान को। सुनिधि चौहान को कोई खास वजह, आप उनकी तरह दिखते हैं इसलिए, इस वजह से या फिर? हाँ ये तो आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आपकी आवाज में सुनिधि चौहान का कोई गाना गाते हैं, बताइए कौन सा है। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हारों का इसको किसने, आये तो बहता पानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला 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 ला, जू 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 जू, पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। अरे रुक जाओ बस, हैं बस करो भाई, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ये तो पता चल गया कि हमारे जो दोनों ही पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं, गाने में मजे हुए कलाकार हैं दोनों के दोनों। धुन साहिबा धुन की धुन, अभी तो देखिए गाना वाना गा रहे हैं, थोड़ा माहौल हम हल्का कर रहे हैं ताकि टेंशन ना रहे यहाँ पर, बाकी थोड़ी देर में तो टेंशन होनी है, हमें तो पता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है ऑल इन अंताक्षरी सीजन 2, जहाँ पर धुन साहिबा धुन की कगार पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर धुन साहिबा धुन, जहाँ पर कि आपको धुन पहचाननी होती है, और अगर पहचानते हैं तो बजर बजाते हैं, और बजर बजाया तो आपको गाना गाना होता है। आप तैयार हैं धुन साहिबा धुन की पहली धुन सुनने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बजर पर ध्यान दीजिएगा, मेरा ध्यान आपके जवाब पर रहेगा। धुन साहिबा धुन की सबसे पहली धुन कौन सी है, इसे सुन लेते हैं। एक बार फिर से टीम दीवाने ने फुर्ती दिखाई और बजर बजाया। आपसे डिस्कशन तो चली रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का समय है, और आपका समय शुरू होता है अब। हो
दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर ओ बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। वेल, गाना बहुत ही खूबसूरत आपने गाया। मैं कह रहा था कि मन कर रहा था कि आप गाते रहो और हम सुनते रहें, लेकिन क्या करें, ये है ऑल इन अंताक्षरी सीजन टू। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बड़ा अफसोस के साथ, गाना बहुत अच्छा आपने गाया, लेकिन ये गाना जहाँ से शुरू होना था आपने वहाँ से ही गाने की शुरुआत नहीं की है। और जैसा कि गेम का रूल कहता है कि अगर आप गलती करेंगे तो सजा भी आपको मिलेगी, और सजा आपको मिल रही है, इसका मतलब हमारी टीम जो मस्ताने हैं उनके पास जाता है मौका इस गाने को सही तरीके से गाने का। सर, आपका समय शुरू होता है। हो मेरा दिल तक था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, मैं प्यार में जागी रात भर। बाजीगर ओ बाजीगर, सुन रहे हैं ना आप? आपको तो पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना? टीम दीवाने को भी पता चल गया कि क्या हुआ, इसलिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। कोशिश बहुत अच्छी थी, आपने गाना बिल्कुल सही जगह से शुरू किया था, लेकिन अफसोस तीसरी लाइन पर जैसे ही आप आए वहां से गड़बड़ हो गई है। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। बाजी करो बाजी, सिर्फ इतना ही करना था सर, लेकिन अफसोस आपकी तरफ से भी गलती हो गई है, तो इसलिए मतलब फिलहाल के लिए धुन साहिबा धुन की पहली धुन का जो मार्क है वो किसी के पास नहीं जाएगा, किसी के पास 10 पॉइंट्स नहीं जा रहे हैं, और इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ेंगे धुन साहिबा धुन की दूसरी धुन की ओर, और देखते हैं उसका सही जवाब कौन दे पाएगा। तो चलिए, धुन साहिबा धुन की अगली धुन कौन सी है इसे सुन लेते हैं जरा। क्या बात है, एक बार फिर से टीम दीवाने ने बजर पहले बजा दिया है। चलिए देख लेते हैं कि कहीं इस बार तो कोई गलती नहीं होगी उनसे। आपका समय शुरू होता है। आप हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। भाई क्या बात है, ये जो एक बार फिर से इन्होंने बाजी मारी है, जीत के जश्न की घंटियां बजने लगी हैं यहाँ पर, जोरदार तालियां। धुन साहिबा धुन, दो धुन जिसमें सुनाई गई आपको, जिसमें से एक धुन का सही जवाब कोई नहीं दे पाया, और दूसरी धुन के सही जवाब देकर टीम दीवाने कॉन्ग्रेचुलेशन, 30 पॉइंट से आप लीड कर रहे हैं इस बार। वाह 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 वाह, क्या बात है, 20 पॉइंट की लीड ली उस राउंड में टीम दीवाने ने। मैं ये कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा जरूर, तो टीम मस्ताने पे थोड़ा सा प्रेशर वहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया था। उसके बाद एक और राउंड यहां पर शुरू हुआ जिसका नाम था धुन साहिबा धुन, जिसमें से कि पहली धुन का कोई भी टीम सही जवाब नहीं दे पाई, इस वजह से कोई भी पॉइंट किसी के भी खाते में नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब दूसरी धुन बजी तो टीम दीवाने में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि वो गाना उन्हें पता था, उन्होंने सही गाना बताया और 10 पॉइंट्स उसमें भी उन्होंने अर्जित किया। और इस तरह से इस वक्त का जो पॉइंट टेबल है वो कहता है कि टीम दीवाने जो है 30 पॉइंट से लीड कर रही है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा थम जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, संभल जाते हैं, देखते हैं कि क्या करना है आगे, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं। सैपर खास तौर पे मैं टीम मस्ताने से बात करना चाहूंगा। गणेश जी इस वक्त हमारे साथ में, सुमित्रा जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गेम हाथ से निकल गई है, मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि अभी भी आगे 60 पॉइंट का गेम जो है अभी करीबन आगे बचा हुआ है, तो मतलब अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपनाना चाहेंगे? वैसे जैसे आप सिचुएशन देंगे तो हमको तो तुरंत रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आई थिंक वी शुड बी फास्ट ऑन द बजर। चलिए मैं आपकी छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, जब खेलेंगे तब खेलेंगे, एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखते हैं कि अभी किस तरह से आपका जो माइंड है वो तैयार हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन पर आप गाना गाइए जिसमें से लड़की की जुल्फों की तारीफ आपको करनी है, आपकी प्रेमिका है, मतलब सुमित्रा जी की जुल्फों की तारीफ करनी है, आपको कौन सा गाना गाएंगे? तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, जुदाई तो नहीं मांगी थी। इसी बात पर एक और सिचुएशन में दाता हूँ आपको, एक ऐसी सिचुएशन पर आप गाना गाइए कि मतलब आज मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत सा है और आप उस पर कुछ गाना वाले हैं। ये आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है,
आज मौसम। सर अगर घर के बाहर आप बैठे हैं आराम से, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर आप आसमान में देखते हैं तो वो खूबसूरत सा चांद निकला हुआ है, ऐसी सिचुएशन पर क्या गाना बनता है? ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अब अगर जीत गए अगर आप तो अलग से पार्टी लूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ बैठा कर। कोई बात नहीं है, वो गारंटीड है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इस बात पे कहना चाहूंगी, प्रैक्टिस में आपने बहुत अच्छा किया, बस ऐसे ही प्रैक्टिस में अच्छा करते रहिए, मेन राउंड में हम लोग अच्छा करेंगे। थैंक यू। टीम दीवाने जिनके हौसले बुलंद हैं इस वक्त, कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी अभी 30 पॉइंट से आगे हैं, लेकिन ये अंताक्षरी है और यहाँ पर अंताक्षरी को जानने वाले अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर गेम यानी बाजी पलटने में देर भी नहीं लगती है, बहुत कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव तो मैंने देख लिए कई बार। इस वक्त पर आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ना चाह रहे हैं आप? जी हम लोग अभी जिस तरीके से चल रहे हैं बस चाहते हैं कि इसी तरह स्मूथली चलता रहे और यही हम फॉलो करेंगे। कोई एक चीज मैं कहूंगा आपके फेवर में रही तो वो क्या रही आपके ख्याल से? मेन तो यही रहा कि मोक्षा ने बजर सही टाइम पे दबाया जिससे हमें मौका मिल पाया। क्या बात है, दोनों टीमें काबिल हैं लेकिन बजर का खेल है। सही बात है, मैं भी ये चीज नोटिस कर रहा था कि मोक्षा जी का हाथ जो है बजर पे तेजी से जाता है और वहां से इनको थोड़ा सा प्लान करने में और आंसर देने में इनको मौका मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं पता है कि अब आपको कौन सी चीज में आपको थोड़ी सी तेजी दिखानी है। मैं एक बार फिर से दोनों ही टीम को बधाइयां देना चाहूंगा, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं आप, और आपको कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, जोरदार तालियां आप दोनों ही टीम्स के लिए। दोनों ही टीम को एक बार फिर से शुभकामनाएं दूंगा मैं और अगले राउंड की ओर बढ़ूंगा जिसका नाम है ना तुम जानो ना हम। जी हां जी, ना तुम जानो ना हम। मैं भी नहीं जानता कि क्या कहने वाले हैं ये, तो इसलिए ना तुम जानो ना हम की पहली सिचुएशन कौन सी है उस तक पहुंचते हैं। आप लोग तैयार हैं दोनों की दोनों? जी तैयार हैं। दोनों टीम तैयार हैं? तैयार हूं, तैयार। क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं ना तुम जानो ना हम की पहली सिचुएशन कौन सी। ऑल इन अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है जब आप किसी से बिछड़ने वाले हो। भाई क्या बात है, मैं कहता हूँ इस अटेम्प्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए टीम मस्ताने के लिए। ओए होए 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 होए, फाइनली बजर बजा दिया गया है टीम मस्ताने की ओर से और आपको इस सिचुएशन पर गाना गाना है। आपके पास 15 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके तुम मुझसे, तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कभी अलविदा ना कहना, पता है किसे? पॉइंट्स को। कभी अलविदा ना कहना, भाई क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा कोशिश आपकी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस गाने को गाया है। क्या बात है, बल्ले नहीं बल्ले, बहुत ही मजा आ गया। और इसी के साथ बधाइयां, आपने अपने पॉइंट टेबल की जो है खाते की शुरुआत कर ली है, लेकिन यहाँ पर टीम दीवाने को भी घबराने की कोई बात ही नहीं है, अभी भी 20 पॉइंट्स से आप लीड कर रहे हैं। क्या बात है, 30 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स और ना तुम जानो ना हम की अगली सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना माहौल में गर्मी बढ़ेगी और बढ़नी शुरू हो गई है। ना तुम जानो ना हम की अगली सिचुएशन कौन सी है, चलिए वो सुन लेते हैं। ऑल इन अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है जब किसी की आंखों की तारीफ में गाना। बहुत ही बारीक सा फर्क था, टीम दीवाने ने पहले बजर बजा दिया है, यहाँ पर आंखों की तारीफ में गाना गाना है। 15 सेकंड का समय है जो कि शुरू होता है अब। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये झुके सुबह ढले, ये झुके शाम ढले, ये उठे सुबह ढले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। क्या बात है भैया, जोरदार तालियां।
ये झुके और ढले और शाम के बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है एक दो वर्ड्स चलता है, लेकिन क्या खूबसूरत गाना आपने गाया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर से कम बैक करते हुए टीम दीवाने, पहली बार की सिचुएशन में नहीं बता पाए, लेकिन इस बार सिचुएशन में बताकर इन्होंने 10 पॉइंट्स और ले लिए हैं, और इस तरह इस राउंड की जिसका नाम है ना तुम जानो ना हम के कंप्लीट होने के बाद में पॉइंट टेबल कह रही है कि इस वक्त टीम दीवाने 40 पॉइंट्स पर है और टीम मस्ताने अभी 10 पॉइंट्स पर है, यानी कि 30 पॉइंट्स की लीड ले चुकी है ऑलरेडी। एक बार फिर से टीम दीवाने कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन आगे जाएगा कौन वहीं रुक जाएगा, बहुत सारी अटकलें हैं क्या क्या तरीके के यहाँ पर, मैं तो हिसाब किताब लगा रहा हूँ कि क्या क्या बन सकता है यहाँ पर मामला। हो सकता है कि अगले राउंड में टीम दीवाने अगला आंसर देके, वैसे तो ऑलरेडी वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अगला आंसर सही देकर हो सकता है वो क्लियर विनर यहीं पर बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि टीम मस्ताने अगला सही जवाब देकर कॉम्पिटिशन में अभी भी बरकरार रहे, क्योंकि भाई साहब ये जो राउंड है ये पूरे 40 पॉइंट्स का है, यानी 20 ईच, इसमें दो बार सिचुएशंस आती हैं और उसका सही जवाब देकर विनर बनने का पूरा पूरा मौका मिल जाता है। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियो ओलिव अंताक्षरी सीजन 2 में, यह है इन एसोसिएशन विद ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। हमारी दोनों टीमें यहां पर मौजूद है, टीम दीवाने और टीम मस्ताने, एक बार जोरदार तालियां आप दोनों ही टीम्स के लिए, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और माहौल, थोड़ा सा और गर्म हो, थोड़ा सा और मजा आए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर टीम मस्ताने को। और इस बीच में आपको भी कहना चाहूंगा, वैसे तो अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप कुछ उनको कहना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास वैसे तो रेडियो ऑलिव की ऐप डाउनलोड होगी, नहीं है तो रेडियो ऑलिव की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैट विद आरजी ऑप्शन में जाकर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं अपनी फेवरेट टीम के लिए, या तो टीम दीवाने जिसमें मोक्षा और आलमजीत इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है जो कि लीड कर रहे हैं इस वक्त, और टीम मस्ताने जिसमें कि गणेश जी और सुमित्रा जी इस वक्त मौजूद है, उनके लिए भी आप मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पर उनकी सपोर्ट में। तो जो भी आप टीम सपोर्ट करें उनके लिए मैसेज भेजिए यहाँ पर। इस बीच मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे इस राउंड की शुरुआत के लिए जिसका नाम है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। तो कितने थोड़े की जरूरत है और वो जरूरत किस तरह से पूरी होगी वो सब आपके हाथ में है। जी हाँ, आप दोनों ही टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तैयार हैं आप दोनों? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि क्या होगा, और यहाँ पर गाना जहाँ बजेगा और जहाँ रुकेगा वहाँ से आपको उस गाने को आगे की तरफ लेकर जाना है। थोड़ा थोड़े की जरूरत है का मतलब यही होता है। चलिए पहला गाना सुन लेते हैं, कौन सा है आपकी ओर आता हुआ इस राउंड का पहला गाना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पर टीम मस्ताने ने बजर बजा दिया है और आपको ठीक इसके आगे की लाइन से गाना गाना है। आपका समय शुरू होता है अब। मैं तुझे सूरज समझता था मगर उसमें भी आग है, मैं तुझे चांद समझूंगा मगर उसमें भी दाग है, न मगर मैं इतना समझ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। आपकी ये फीलिंग सुमित्रा जी तो समझ जाएंगी नो डाउट, लेकिन क्या करें सर, मैं थोड़ा सा जालिम हूँ यहाँ पर, क्या कर रहे हैं सर, रात के शो में बैठे हैं आप, सूरज की बात पहले कर रहे हैं। अगर आप, मैं आपको बता दूं कि आपने गाना गाया है उसमें लिरिक्स में गड़बड़ है, लिरिक्स में गड़बड़ है, इसी वजह से ये जो मौका है ये मौका जाता है टीम दीवाने के पास। देखते हैं कि वो इस बार इस गाने को सही तरीके से गाकर क्या इसके 20 पॉइंट्स ले पाएंगे। आपका समय शुरू होता है। आप तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे चंदा मैं कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ठीक है ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा वही बात जो मैं टीम मस्ताने को मैं कह रहा था, वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रात के शो में बैठे हैं यार, कहाँ सूरज को आप पहले याद कर रहे हैं, पहले चांद को याद करना था,
तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। दो बार बोला इन्होंने, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है। तो काश आपने ये पलट दिया होता, चांद पहले ले आते और सूरज बाद में लेकर आते तो मजा ही आ जाता। लेकिन हाँ, दोनों ही टीम्स ने बेहतरीन कोशिश की है गाने को गलत करने की, कोई बात नहीं भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंताक्षरी की हमारी दोनों टीम्स के लिए। टीम दीवाने, टीम मस्ताने, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अब ये मैं चाहूंगा लेकिन आज का जो आखिरी पड़ाव हम जहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है का जो आखिरी गाना हम आज बजाने वाले हैं, सर मेरी दिली तमन्ना है कि उसका जवाब आप दें। मैं चाहता हूं उस गाने को गुनगुनाते हुए ही हम आज यहां से आपसे विदा लें, रुखसत लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि विनर टीम दीवाने होने वाली है। लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा गेम खेल के यहां से जाएंगे, मौज मस्ती के साथ यहां से जाएंगे, आप लोग तैयार हैं? हाँ, अगले गाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। मुझे तो दिख भी रहा है ये गाना, दिखने लगा मुझे गाना अचानक से आपकी ओर आता हो ये गाना। इस गाने को सुनिए ध्यान से, मैं कहीं पर भी स्टॉप कर सकता हूँ, कहीं पर भी स्टॉप कर सकता हूँ, आपको उस गाने को आगे से गाना होगा। तो चलिए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है आज का आखिरी गाना कौन सा है वो सुन लेते हैं। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि टीम दीवाने ने पहली बजर बजा दिया है सिर्फ धुन सुन के। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप इस गाने को बताएं कौन सा गाना है ये। धुन क्या आप धुन फिर से रिप्ले कर सकते हैं? धुन नहीं, वो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने गाने को प्ले होने का मौका नहीं दिया है। गाने को बिल्कुल भी प्ले होने का मौका नहीं मिला है, तो इसीलिए आप अगर इस गाने को गा पाए, वरना मैं इस गाने को प्ले करूंगा और ये मौका उनके पास जाएगा। आपका समय शुरू होता है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है। चलिए चेक कर लेते हैं गाना कौन सा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। का सजना से हो रहा थामना, सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेल ही खेल में दिल गया थामना। ना 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 ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। भाई क्या बात है, गाना आपने अच्छा गाया है, एक दो वर्ड्स का इधर उधर का हेर हो गया है लेकिन गाना बहुत सही गाया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम मस्ताने के लिए, बहुत ही प्यार से आपने गाना गाया, बहुत ही क्यूट भी लग रहे थे आप। इसके लिए आपको इसके 20 पॉइंट्स मैं देता हूं यहां पर, ठीक अभी। और इसी के साथ यहां पर मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि इस 20 पॉइंट्स के साथ में टीम मस्ताने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सर आपने, लेकिन टीम दीवाने जोरदार तालियां टीम दीवाने के लिए जिन्होंने आज ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। एक के बारे धुआंधार उन्होंने पारियां खेली है। तालियां बजा दो भाई, हाँ क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी यही कहना चाहेंगे कि हमको आज खेल के बहुत मजा आया, जीत हार चलती रहती है लेकिन ठीक है, जीत कर एक अलग मजा भी आता है। लेकिन मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आलमजीत का कि उन्होंने आके मेरा पूरा पूरा सपोर्ट किया और आज उन्हीं की वजह से हम लोग जीत तक पहुंच पाए हैं। बहुत ही बढ़िया, आप लोग तैयार रहिएगा अगले राउंड के लिए, वो इससे ज्यादा टफ हो सकता है। और मैं एक बार फिर से इस जोड़ी को यहाँ देखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा वो जोड़ी तब भी आकर धमाल मचाए। टीम मस्ताने, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस गेम को लिया, बहुत अच्छे से आपने खेला, बहुत अच्छे से पूरा पूरा समय यहाँ पर बांधने की आपने कोशिश की है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। लेकिन आज फिलहाल के लिए ऑल इन अंताक्षरी सीजन 2 के इस एपिसोड से आपका जो सफर है यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से रेडियो ऑलिव के किसी और मंच पर फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई गेम, एक नई शुरुआत के साथ में। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका, क्या फीडबैक देना चाहिए? एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त था मेरा, पूरा जो भी अंतरराष्ट्रीय का जो हिस्ट्री था इट वाज रिवाइव्ड, सो आई एम रिफ्रेश्ड एंड आई वांट टू कम बैक विद द बैंग नेक्स्ट टाइम। क्या बात है,
सुमित्रा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या यादें यहाँ से लेकर जाएंगे आज आप? बहुत कुछ, कि बहुत प्रैक्टिस करना है, बजर की हाथ पहले रखना है। जैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, मुझे भी वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और अभी 21 साल हो गए, अभी 22 साल शुरू होने वाला, तो अभी कंटिन्यू रखना पड़ेगा इनके साथ मॉरल सपोर्ट के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका होना जरूरी है, आपका सपोर्ट से बहुत कुछ यहाँ पर फिर बदल हो सकता है, बदल सकते हैं, फिर से हो सकता है आप लोग दोबारा यहाँ पर लौटे, तो क्या पता आप जीत के चले जाएं यहाँ से। जैसे मोक्षा ने बोला कि जीत हार तो लगी रहती है, बट इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर मी एंड गणेश, इट्स अ बिग बिग एक्सपीरियंस। अच्छा, मजा आ गया इस बात से, मुझे अचानक से याद आया, अपेक्षित घर में सुन रहा होगा, अपेक्षित को कुछ कहना है, पूरा कतर भी सुन रहा है। भाई, ये लोग अपेक्षित के मम्मी पापा हैं, मैं आपको बता दूं, इन केस मैंने अचानक से अपेक्षित का नाम लिया है। अब आप बताइए, अपने बेटे के लिए कुछ कहना चाहे, सुन रहा होगा जरूर से वो भी। अपेक्षित, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ रहेंगे और अंताक्षरी जीत के जाएंगे और आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके हम लोग को जिताएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपेक्षित के कंधों पर मजबूत जो जिम्मेदारी आपने डाल दी है, मानना पड़ेगा भाई, क्या बात है। अब आप कुछ कहना चाहेंगे चलने से पहले, कुछ वर्ड्स आपके जितने चाहने वालों ने यहाँ पर मैसेजेस भेजे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पूरे कतर को, मेरे सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों को बस यही कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत सपोर्ट इसी तरह यूं ही मिलता रहे। और मैं आपके लिए कहना चाहती हूं कि जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, अजी फूलों का क्या कहना, हम अपना दिल बिछाए हैं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। चलते चलते इसी गाने से क्यों ना हम अंत करते हैं आज का। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं चाहूंगा सब लोग मिलकर गाएं इस गाने को। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। खेल ही खेल में दिन गया, हा ना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, फिलहाल इस अंताक्षरी से गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जियो बिंदास। ऑलिव अंताक्षरी सीजन 2 इन एसोसिएशन विद ऑस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस सेलिब्रेटिंग द गुड लाइफ। ऑलिव अंताक्षरी सीजन 2